खगड़िया में इन दिनों लगातार चोरों का उत्पात बढ़ गया है। इस बार चोरों ने एसबीआई शाखा के जमालपुर गोगरी में एसबीआई यानी बैंक के अंदर ही चोरों ने सीएसपी संचालक के बैग से 1,73,000 रुपये लेकर चंपत हो गए। फिलहाल पुलिस घटना की जानकारी लेकर मामले की जांच में जुट गई है। सीएसपी संचालक ने बताया कि वह 1,73,000 रुपये निकालकर बैग में रखकर पीठ पर टांग लिए थे और फिर 8,000 रुपया निकासी करने के लिए लाइन में खड़े थे। तभी चोरों ने पीछे से बैग का चेन खोलकर पैसे निकाल लिया। उस वक्त भी संचालक को पता नहीं, बैंक से निकलने के बाद अपने सीएसपी सेंटर पर गए तो देखा कि बैग का चेन खुला है, रुपया एक भी नहीं था। इसकी जानकारी शाखा प्रबंधक को दी और गोगरी पुलिस को भी दी। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी मनोज कुमार, गोगरी थाना प्रभारी बीरबल राय सीसीटीवी फुटेज खंगाल अब रही है। देखने वाली बात होगी कि कब तक पुलिस इस मामले का उद्भेदन कर पाती। रविंद्र, मैं सीएसपी हूँ, मेन ब्रांच मेरा जमालपुर गोगरी हूँ, पेमेंट मेरा यहीं से आता है। पेमेंट ले रहे थे अचानक, अंदर से कभी कभी हम ले रहे थे पेमेंट, अंदर से लेते थे ना तो दिक्कत नहीं होता था, हम अंदर से पेमेंट सेफ्टी लेते थे, चले जाते थे। आज हमको अंदर जाने से मना किया गया था। ठीक, कौन मना किया था? गार्ड साहब। अच्छा, तो अंदर नहीं दिया हमको जाने के लिए, बाहर रखे। तो पेमेंट लेना था। अच्छा, हमको पेमेंट का जरूरी था, हम तो लेट हो रहा था, सेंटर जाना था हमको, कस्टमर लोग बैठा था। तो हम पेमेंट के लिए 3 चेक दिए, जिसमें एक एक था 53,000 रुपया का, एक था 1,20,000 रुपया का, एक 8,000 रुपया का था। जिसमें 53,000 और 1,20,000 में हमको क्यू बना था, जो कि संतोष सर के सन्नी सर दिए क्यू छोड़ने के लिए। क्यू छूटा, पेमेंट हमको 2 चेक का 1 बार मिल गया, 1,20,000 और 53,000 रुपया, 1,73,000 रुपया हमको मिल गया। हम लिए बैग में रखे, 8,000 रुपया मेरा रुका हुआ था, जिस पैक किए और हम चलने के लिए रेडी हो गए। 8,000 जब तक हमको मिल रहा था उसमें करीबन 1 मिनट लग गया, वो भी विड्रॉल करना था सनी सर को। विड्रॉल जब तक किए हमको 1.5 मिनट का हमको अनुमान है टाइम लगा। तो उसमें उसी कैबेज में 3 गो आदमी, हमको तो महसूस नहीं हुआ 3 गो, मतलब ऐसा में बुझाया भीड़ है पीछे से कोई धकेल रहा। 3 जो कि सीसीटीवी फुटेज में हमको दिखा, 3 लड़का बिल्कुल फिनिश दिख रहा। अच्छा, ये आपको पता कहाँ चला, यहाँ चला या घर पे चला कि आपके बैग से? हम पेमेंट तो हम बैग में रख लिए था। ठीक है, हम तो निश्चित हो गए हम जाना है सेंटर पर। 8,000 का थोड़ा सा पेमेंट होता है, 500 का नोट मिला था, 16 को 500 का। तो हम पैकेट में रखे और सीधा हम सेंटर पे गए। सेंटर पे गए भाई, अचानक मेरा बैग चेन कैसे खुला है? तो हम फिर आ गए ब्रांच, आए फोन किए, लॉक किए सर, ब्रांच आ गए, देखे सीसीटीवी फुटेज में, मेरा पेमेंट बैग में डाले, पीठ पर दिया, उसी टाइम निकल गया, फुटेज में दिख रहा है स्पष्ट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार हुआ, घर आदावाड़ी थाना चौथा। सीएसपी कहाँ चला? सीएसपी बिंदा देरा झौवा बिहार मुंगेर डिस्ट्रिक्ट पर। ये हमारे को एक्चुअल में पैसा निकालने के लिए सीएसपी आए थे, तो इन्होंने पैसा लेकर के चले गए घर पे। तो ये वहाँ से हमारे को इन्होंने फ़ोन किया कि सर मेरे चैन से खुला हुआ था और मैं जब यहाँ देखा तो मेरे पास पैसे है नहीं। मैंने इनसे पूछा कि कितना पैसा आपका गायब हुआ है, तो इन्होंने 1,73,000 रुपये बताया। तो उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है, आप वहाँ पे गए हो तो यहाँ पे आ करके आप यहाँ पे इंक्वायरी करो, और एक बार यहाँ करके आओ तब हम बात करते हैं, फुटेज वगैरह देखते हैं। तो फिर ये आधा घंटा के बाद लगभग इन्होंने जल्दी से आया, तब इन्होंने बोला कि गेट लगवा दिए, तो मैंने गेट भी लगवा दिया था ब्रांच का। तो लगभग आधा घंटा के करीब सारे कस्टमर लोग अंदर ही थे। फिर उनके आने के बाद मैंने फिर फुटेज देखा, उसके बाद कुछ पता नहीं पूरा क्लियर चला इसके, फिर मैंने ज़्यादा भीड़ होने लगा इसलिए फिर गेट खुलवा दिया। नहीं, इसमें तो अभी पूरा क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो जांच का विषय है, तो इसमें तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करके, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज मैंने पुलिस को भी दिखाया है, तो वो अपने जिस हिसाब से एंगल से बात करें उस हिसाब से, क्योंकि इसमें क्लियर कहीं कुछ नहीं कर सकता।